सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे एंड मौज मस्त में होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल एंड थंबनेल देखकर कि किस चीज़ का अनबॉक्सिंग होने वाला है। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इग्नाइट का हेलमेट का अनबॉक्सिंग। तो पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे कि हेलमेट कैसा दिखता है एंड उसका क्वालिटी कैसा है, इसके साथ में हमें क्या क्या मिलता है एंड उसका लुक्स कैसा निकल कर दिया, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो फटाफट इसको पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा अपना बॉक्स एंड यहाँ पे इग्नाइट का लोगो दिया हुआ है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नाइट। इस साइड में भी इग्नाइट का लोगो एंड इग्नाइट, नीचे लिखा हुआ है प्रीमियम हेलमेट्स। तो चलो फटाफट से पैकेट को खोलते हैं एंड आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको खोल लेना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा अपना हेलमेट। तो हेलमेट को थोड़ी देर साइड में रखते हैं एंड देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है एक छोटा सा बैग जो कि आप हेलमेट को कैरी कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी इग्नाइट का लोगो एंड इग्नाइट लिखा हुआ है। तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप बहुत ईजीली तरीके से कैरी कर सकते हो। एंड बाकी और कुछ नहीं मिलता हमें बॉक्स के साथ में। एंड यहाँ पर ये है जिसमें हेलमेट बैठ के आता है। एंड अभी आते हैं हम अपनी हेलमेट की तरफ। तो ये देख सकते हो, ये रहा अपना मेन हेलमेट। तो चलो इसको निकालते हैं। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, ये देखो भाई क्या प्रीमियम दिख रही है भाई। एंड पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा निकल के आ रही है, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ये देख सकते हो। एंड आगे से कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसका जो डिज़ाइन है ना, वो भाई देखो भाई क्या ही डिज़ाइन बना दिया भाई। एंड इस हेलमेट का खासियत क्या क्या है वो मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वेंटिलेशन देखने को मिलता है हमें। सेकेंड वेंटिलेशन यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। एंड थर्ड वेंटिलेशन ये देखो भाई, भाई तीन वेंटिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि आपका जो हेड है वो ठंडी रहे अगर आप गर्मी में राइड कर रहे हो तो। एंड और क्या क्या हमें इसके साथ में मिलता है। एंड इधर पीछे से आप देख सकते हो, इसका सर्टिफिकेशन देखो, डॉट सर्टिफाइड प्लस ISI सर्टिफाइड है। एंड इस हेलमेट का वेट देख सकते हो, 1500 ग्राम प्लस 50 ग्राम। तो मान लो 1500 ग्राम का ये हेलमेट है। एंड यहाँ पर इग्नाइट का लोगो दिया हुआ है। एंड पीछे से भाई इसका डिज़ाइन देखो भाई, क्या खूबसूरत दिख रही है भाई। एंड वाइज़र की अगर बात करें तो ये देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट वाइज़र है। तो एंड यहाँ पर हमें एक लॉक भी देखने को मिल रहा है, ये देखो। मान लो कि आप अगर आप बाइक को हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे हो तो कभी कभार क्या होता है, हवा लगने की वजह से ना ग्लास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो आप इसको यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हो। अभी आपका वाइज़र ऊपर नहीं जाएगा तो इसको ऐसे डाउन कर देना तो वाइज़र ऊपर चला जाएगा। एंड इसके अंदर हमें एक और वाइज़र देखने को मिल जाता है, ये देखो ओ भाई। एंड इस पर भी फ़िलहाल इसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, इसको अभी हम हटा देंगे। तो सबसे पहले मेन वाइज़र का जो स्टिकर है उसको हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। ओ भाई साहब, ये देखो भाई। एंड यहाँ पे शायद आपको येलो दिख रहा होगा क्योंकि ये जो है एंटी फॉग वाइज़र है जिससे यहाँ पे फॉग नहीं आता। एंड ये वाला भी हम उतार देते हैं अभी। एंड ये देख सकते हो, अभी हम इसको भी खोल दिया। एंड अभी का लुक चेक करो भाई, क्या तबाही लुक निकल के आ रही है। एंड यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा जो है एक्स्ट्रा पेपर है, इसको भी हम हटा देंगे। ये देखते हो येलो कलर का जो पेपर है, तो इसको हम हटा देते हैं सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको खींच देंगे। ये देखो ये निकल गया। तो अभी देखो कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो। एंड नीचे से अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये है ना भाई, इसको लॉक करने के लिए, ये भाई बहुत ही तगड़ा क्वालिटी का है। आपको शायद थोड़ा सा परेशानी होगा पहली बार जब इसको यूज़ करोगे ना, इसको लगाने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन अगर एक बार आप सीख जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। एंड बाकी इसके साथ में हमें और कुछ चीज़ें भी मिल जाता है,
जैसे कि ये देख सकते हो, एक तो हमें छोटा सा लॉकेट मिल जाता है एंड बाकी इग्नाइट का लोगो के साथ में स्टिकर कुछ मिल जाएगा एंड यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स, इसको पढ़ सकते हो आप। बाकी हेलमेट कुछ ऐसा दिख रहा है अभी फ़िलहाल, तो एक बार मैं हेलमेट को पहनता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को लुक दिखा देता हूँ, इसका लुक कैसा निकल के आ रही है। तो चलो, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल मैं अपना राइडिंग जैकेट पहन चुका हूँ, ये देख सकते हो DSG का राइडिंग जैकेट। तो अभी एक बार मैं इस जैकेट के साथ में ये वाला हेलमेट पहन के आप लोगों को लुक दिखा देता हूँ कैसा लुक आता है। तो चलो सबसे पहले वाइजर को खोलते एंड हेलमेट को पहनते, भाई ये तो रहेगा, इसको खोलना ही भूल गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमने पहन लिया है, अभी लुक कुछ ऐसा आ रहा है पीछे से, साइड फ्रंट साइड। तो एक बार मैं सन वाइजर को नीचे कर देता हूँ, अभी कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं मेन वाइजर को भी डाउन कर देता हूँ, अभी कुछ ऐसा लुक हमें देखने को मिल रहा है। तो भाई एक तो भाई इतना ज्यादा गर्मी हो रखी है ना भाई, हालत पतली हो रही है भाई, एक तो राइडिंग जैकेट ऊपर से भाई ये हेलमेट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड अभी मैं अपने फ़ैन को भी तेज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का जो वीडियो है वो यही था, आप लोगों को हेलमेट दिखाना था। वो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड आउट, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।